गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जानेंगे रिलेशनशिप ऑफ वेव वेलोसिटी विद द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तरंग वेग का डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य से संबंध। तो इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो वेव वेलोसिटी होती है वो वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, बट जो लाइट वेव्स होती हैं वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती है। और इससे हम यही प्रूव करेंगे कि जो डी ब्रोगली वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है। ठीक, तो मेरी आपसे एक एडवाइस है कि आप इस वीडियो को देखने से पूर्व कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी एंड फेज वेलोसिटी, रिलेशनशिप फेज वेलोसिटी एंड ग्रुप वेलोसिटी फॉर रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल एंड नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री पार्टिकल की हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर, फाइव। तो जो हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे आप उन्हें जरूर देखिएगा। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप भैया चैनल में नए हों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बगल में उस घंटी को मंदिर की घंटी समझ कर दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो सकें। तो हम कॉन्सेप्ट ऑफ वेव वेलोसिटी बताया था, तो हमें वेव वेलोसिटी सबसे पहले वेव वेलोसिटी बीपी इक्वल होता ओमेगा अपॉन के। ओमेगा एंगुलर कौन सी है के प्रोपागेशन कांस्टेंट, संचरण नियतांक। ठीक, इसमें हम एच कट का डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीपल कर देंगे तो एच कट ओमेगा अपॉन में एच कट के। क्वेश्चन फर्स्ट दे दिया, बीपी इक्वल एच कट एच अपॉन टू पाई होता, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है टू पाई टू न्यू अपॉन में एच अपॉन टू पाई के क्या होता, प्रोपागेशन कांस्टेंट जो हम किया जाता है उसे साइड में जरूर लिख दें, ओमेगा एंगुलर फ्रिक्वेंसी है टू पाई न्यू और के प्रोपागेशन कांस्टेंट संचरण नियतांक टू पाई अपॉन लैम्डा। टू पाई से टू पाई कैंसिल तो बीपी इक्वल आ जाएगा एच इंटू न्यू अपॉन में एच अपॉन में लैम्डा। ठीक, तो हम बी नो डेट क्या जानते हैं, प्लैंक ला इक्वल एच इंटू न्यू एनर्जी ऑफ फोटॉन और डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो आप डी ब्रोगली जो वेवलेंथ क्या होती है, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, देन एच अपॉन लैम्डा इक्वल क्या हो जाएगा पी, हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो बी पी इक्वल ई अपॉन में पी आ जाएगा। इक्वेशन सेकंड दे दिए, तो हमें इस वेव वेलोसिटी ये डी ब्रोगली वेवलेंथ पर रिलेशन निकालना है। तो हम इस एनर्जी को वेवलेंथ के टर्म में हम लिखेंगे किस प्रकार से, लेट कोई रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, लेट रिलेटिविस्टिक पार्टिकल इज मूविंग वो घूम रहा विद वेलोसिटी बी, एंड उस रिलेटिविस्टिक पार्टिकल का रेस्ट मास एम नॉट एंड मोमेंटम पी एंड एनर्जी ई, देन रिलेटिविस्टिक रिलेशन क्या होता है, बी नो डैट, देन बी नो डैट रिलेटिविस्टिक पार्ट रिलेशन ई स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर फोर। हमें ई की कम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, बी पी इक्वल वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी रूट
पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन एफ पी। रूट के अंदर लिखेंगे पी तो कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर हो जाएगा, पी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4 अपॉन एफ पी स्क्वायर। डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस में एम नॉट स्क्वायर सी की पावर 4। कॉमन भी हो रहा है, सी स्क्वायर का कॉमन हो जाएगा, देन हमारा निकल के आ जाएगा बी पी इक्वल सी स्क्वायर का कॉमन होगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस एम, सॉरी हम पी स्क्वायर से जब डिवाइड किया था तो पी स्क्वायर इधर अपॉन पी स्क्वायर आएगा, तो सी स्क्वायर का कॉमन होगा तो एम नॉट स्क्वायर अपॉन में पी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, इतना बचा सी स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकल तो सी हो जाएगा स्क्वायर रूट 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। तो मैं इस वेव वेलोसिटी की या फेज वेलोसिटी की डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर रिलेशन निकालना था, तो हम डी ब्रॉगली की क्या जानते हैं वेवलेंथ, लैम्डा इक्वल एच अपॉन पी, पी की वैल्यू एच अपॉन लैम्डा हो जाएगी, तो बी पी इक्वल सी 1 प्लस एम नॉट स्क्वायर सी स्क्वायर कितना आ जाएगा इधर से हमें इधर देन, तो पी इक्वल कितना आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा, तो आप वैल्यू पुट कर दें तो एच स्क्वायर आ जाएगी लैम्डा स्क्वायर। तो हमारा जो इक्वेशन किस में रिलेशन आ गया, ये इक्वेशन किसको इंडिकेट करता है, फेज वेलोसिटी, ये इंडिकेट करता है कि फेज वेलोसिटी वेव वेलोसिटी है वो डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। इससे हम ये देख पा रहे हैं कि जो वेव वेलोसिटी की वैल्यू किससे, स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू से कैसी है, अधिक। जो वेव वेलोसिटी या फेज वेलोसिटी होती है वो स्पीड ऑफ लाइट से कैसी है, ग्रेटर देन है। आप ये भी देख पा रहे हैं इस फॉर्मूले में कि वेव वेलोसिटी किस पर डिपेंड है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर। जब डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर डिपेंड है तो वेव वेलोसिटी, जो वेव वेलोसिटी है, जो वेव वेलोसिटी डी ब्रॉगली वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहा है, तो जो डी ब्रॉगली वेव है वो निर्वात में फ्री स्पेस में क्या डिस्पर्शन, कहाँ डी फ्री स्पेस में क्या करेगी, डिस्पर्शन दर्शाएगी, विक्षेपण, ठीक। और इसके हम जस्ट अपोजिट कहें, निर्वात में फ्री स्पेस में लाइट, लाइट होता है ना प्रकाश की वेलोसिटी, उस कोई भी तरंग दैर्ध्य हो प्रत्येक वेवलेंथ के लिए कैसा होता है, इक्वल होता है। मतलब लाइट वेव्स की जो स्पीड होती है, वेलोसिटी होती है, वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करता, जबकि जो वेव वेलोसिटी की वैल्यू वेवलेंथ पर डिपेंड करती है। इसलिए देन वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो डी ब्रॉगली वेव्स होती हैं, डी ब्रॉगली वेव्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। डी ब्रॉगली वेव्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का बिहेवियर कैसा होता है, डिफरेंट होता है। क्यों, क्योंकि डी ब्रॉगली की जो वेव्स हैं उनकी वेव वेलोसिटी वेवलेंथ पर डिपेंड कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी लाइट वेव्स हैं वो वेवलेंथ पर डिपेंड नहीं करती, ठीक। जो डी ब्रॉगली वेव्स उनकी जो वेव वेलोसिटी जब वेवलेंथ पर डिपेंड करेंगी, निश्चित ही है कि फ्री स्पेस में क्या होगा, डिस्पर्शन व्यक्त करेंगे, ठीक। लेकिन जब जो लाइट वेव होता है वो निर्वात फ्री स्पेस में कोई भी वेवलेंथ हो प्रत्येक के लिए क्या, लाइट ऑफ वेलोसिटी की वैल्यू कैसी होती है, इक्वल होती है। धन्यवाद।